तो ये दिमाग में पहले से था कि मैं एक्टिंग की तरफ जाऊंगा? अब्बू को देख के शौक होता था, सोहेल साहब को देख के, या क्या था दिमाग में? ट्रिकी क्वेश्चन है. मैं आई वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर. इट्स अ वेरी ट्रिकी कैसे टिपिकल थिंग टू से. ये जो बात आप कह रही है ना कि अब्बू को देख के शौक, इट हैड नथिंग टू डू विद हिम. ओके, अब शायद आपकी एक सबकॉन्शियस में चीज़ें कुछ होती हैं. घर में जब मैं था, अब माई हाउस वॉज लाइक रिच इन आर्ट्स एंड मूवीज एंड ऑल, बट कोई इस तरह का कोई ना किसी की तरफ से कोई वो पुश था, ना कोई वो था कि यू हैव टू डू दिस. वो ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि इन फैक्ट माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू डू समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, जो कि बड़ी एक टिपिकल चीज़ होती है. सिविल सर्विस. ओके, दे वॉन्टेड मी टू गेट इन टू सिविल सर्विसेज, एंड नॉट बिकॉज ऑल द फादर्स आउट देयर वॉन्ट टू. इसके पीछे भी एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड, एक हिस्ट्री है. मेरे जो दादा थे, ही वॉज इन द सिविल सर्विसेज, वो पुलिस ऑफिसर थे. Okay. तो मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी लेगेसी को कोई कंटिन्यू करे उनकी लेगेसी को फ्रॉम द फैमिली. तो उनको था कि ये पढ़ाई में अच्छा है और इस पे मेरी उम्मीद हो सकती है, इस पे उम्मीदें हैं. तो वो एक बड़ा मुश्किल मेरे लिए, आई हैड टू लाइक होल्ड दैट. बट आप करना चाहते थे क्या? सीएसएस था दिल में कि मैं करूँ? अब्बू के लिए वो बस वो थ्रू आउट. ये अब बड़ा एक लंबा सफ़र है जब दौरान पढ़ाई के. उस दौरान तो कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता था कि आप कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार कर दें अदर देन सिविल सर्विसेज ऑब्वियसली. वो आपके इस पे बहुत खुश होंगे. ये बड़ी अजीब सी स्ट्रेंज सी बात लग रही है कि एक एक्टर के बेटे को सोचना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि मैं एक्टिंग करना चाह रहा हूँ. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. अच्छा चलिए कहानी कंटिन्यू. माय फादर इज अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन इन अ गुड वे, बट उनका एक बाकायदा टेरर है ड्यू टू नो फॉल्ट ऑफ हिज ओन. वो कोई कमांड नहीं करते ये चीज, बस उनकी एक पर्सनालिटी ऐसी है. रिस्पेक्ट करते हैं आप उनकी, इट्स नथिंग एल्स. ही इज योर फादर एंड ही उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट अर्न की हुई है, तो उनका जो भी कहना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है. तो उस दौरान बस वो सारा कुछ भी अंदर रखा हुआ था, क्योंकि आई तो वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर. मैंने तो कहा मैंने तो एक्टर बनना है. उधर से अम्मी अब्बू की तरफ से ख्वाहिशात आ रही हैं. अब मैं फुल आई एम इन दैट बैड स्पेस जहाँ मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, अब कैसे करूँ, क्या करूँ. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज़ वेरी ब्लेस्ड इन द मैटर के माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव. वो कहते थे कि ये करो, बट एट द सेम टाइम वो ये भी कहते थे कि वो करना जिसमें तुम अच्छे हो, जो कि काफ़ी मूवीज़ में भी ये मैसेज होता है, लेकिन ये मैसेज हम काफ़ी देर से सुनते आ रहे थे कि वो करना जो जिसमें तुम अच्छे हो, क्योंकि उसी में तुम काम भी अच्छा कर सकोगे, उसमें यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट. तो मेरे लिए तो एक ही चीज़ थी जो मतलब आती थी तो मैं मतलब पागल हो जाता था. इट यूज़ टू गैल्वेनाइज मी. मैं कहता था कि यार दिस इज़ माई थिंग. आई डोंट नो वाई, बट एवर सिंस अ किड ये ऐसे ही था. और ये बिल्कुल ऐसे नहीं था कि अब्बू को देखकर या किसी और से इंस्पायर होके. बस आई वॉज टीवी बेबी. मैं बैठकर टीवी देखता रहता था और वो बड़ा मुझे इंस्पायर करते थे एक्टर्स. और ये वो सबसे पहले तो वो सबसे पहली चीज़ होती है कि यार ये यहाँ पे कैसे हैं, इसके इसके अंदर डब्बे के अंदर कैसे हैं. फिर व्हेन यू वॉच अदर पीपल रिएक्टिंग टू द परफॉर्मेंस ऑन द टीवी, आपको होता है. अब आई डोंट नो इफ दिस वर्क्स फॉर एवरीवन, बट मेरे साथ ये होता था. आई एक्सपीरियंस दिस. मैंने जब देखना कि लोग पीपल आर अपलोडिंग परफॉर्मेंसेस, और ये वो, मैं कहता था यार आई नीड दिस. सो देर वॉज ऑलवेज समथिंग अबाउट कर्टन कॉल्स कह लें कि जो मुझे बड़ा अपील करती थी कि यार फैसिनेट करती थी कि एक परफॉर्मेंस हो और उसके बाद सारे कहें क्या बात है, क्या बात है, वाओ. तो मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया इवेंट्स में, और ये वो. इसमें भी बड़ी स्टोरीज हैं हाउ आई स्टार्टेड और ये वो कैसे. क्या सुनाएं स्टोरी? हम तो स्टोरी सुनने के लिए बैठे हैं. वो कुछ यूं था कि अब ये सारा कुछ दिमाग में चलता जा रहा था. एंड अब एज क्या थी उस वक्त जिस वक्त ये चल रहा है आपके दिमाग में? आई थिंक जब मैंने पहला पार्टिसिपेट किया एक इवेंट में, वो था कोई अराउंड 7-8 इयर्स ओल्ड. I have a picture of that moment. अच्छा, मेरे पास एक तस्वीर है. If you're not embarrassed to share it. मेरे पास एक तस्वीर है. No, it's a very cute picture with my father. अच्छा. And उसमें मैं full dress up होके बैठा हुआ हूँ और costume पहना हुआ है. वो एक picture है after the show. तो वो यूं था कि स्कूल में पता चला, एक साल मैंने देखा पहले होते हुए. ठीक है. तो मैंने कहा ये तो स्कूल में भी हो रहा है, ये तो बड़ी अच्छी ऑपर्चुनिटी है. घर में भी होता है, स्कूल में भी होता है, टीवी पे भी होता है.
पहुंच सकता हूँ यहाँ तक? नहीं, बड़ी मजे की बात है, मुझे काफी देर तक एक तो यही नहीं समझ आती थी कि अब्बू कर क्या रहे हैं। अच्छा, वो क्योंकि बहुत ही छोटे थे तो मुझे यही नहीं पता था कि he's an actor. Plus he was mostly theater at that time, I'm sure. Mostly theater, exactly. तो वो मुझे नहीं पता था कि ये एक्टिंग क्या है और ये क्या है। बस क्योंकि मैंने आपको बताया ना, घर में एक वो था आर्ट्स एंड मूवीज एंड ये वो, देयर वाज अ लव फॉर ऑल ऑफ दिस, लव फॉर द इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, तो वो आई थिंक नेचुरली पास ऑन हो जाती है चीज़। मतलब ऑब्वियसली इट्स अप टू द इंडिविजुअल कि वो उसको कैरी करना चाह रहे हैं या नहीं, बट अदर देन दैट वो एक नेचुरली चीज़ आई थिंक मुझे उसने अट्रैक्ट किया। सो स्कूल में मैंने देखा एक साल, मैंने कहा ये तो यहाँ पे भी हो रहा है जो चीज़ मुझे फैसिनेट कर रही है। अगले साल वो जब आई बारी, मैंने पहले से ज़रा तैयारी पकड़ ली, पता नहीं कैसे जाके मैंने पूछा जब हो रहा था, उन्होंने कहा कर लो ऑडिशन। ऑडिशन तो नहीं, खैर अब मुझे एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं याद, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन क्या कहते हैं, बस उन्होंने कहा कि आप आ जाओ और ये वो, किसी तरह हो गया, आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। उन्होंने रिहर्सल्स करवाई हमें कोई 2 हफ्ते, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे, और वो कोई बड़ा पीरियोडिक सा प्ले था, कोई बादशाह और वो उनके वजीर और इस तरह का, बड़ा मज़ेदार सा, और सेट लगा हुआ है स्टेज के ऊपर, वो कार्डबोर्ड्स वगैरह से हर चीज़ें, बिल्कुल आई कैन इमेजिन, सारा कुछ पीछे पीछे बना हुआ है, वो बादशाह का किला और हर चीज़। तो मैं बड़ा फैसिनेट हो रहा उसका पार्ट बन के, और ये वो, मैंने कहा ये तो क्या बात है, मेरी तो पढ़ाई ख़त्म ही करवा दी, ये करवाए मुझे। तो बट आई डिडंट टेल माई पेरेंट्स, उनको नहीं पता था कि आप मैंने कर रहे हैं। मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरी जो अम्मी थी वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी इस मसले में। स्कूल की अटेंडेंस मेरी 100% होती थी। वुड यू बिलीव इट, मेरे पास कोई 10-11 साल के 100% अटेंडेंस के वो है सर्टिफिकेट्स। मतलब कि वो पॉइंट भी जब कोई बच्चा स्कूल में नहीं आता था, जलजले आ रहे हैं, बाबा लेके जा रहे हैं, मेरी अम्मी कहती थी बेटा स्कूल कोई चक्कर ही नहीं है, उठो। बुखार वगैरह तो मतलब नॉर्मल था ना, बुखार में तो हम जा रहे होते थे आहिस्ता आहिस्ता स्कूल। मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशंस में भी अम्मी कहती थी स्कूल जाना है। अच्छा, तो वो मेरे 100% अटेंडेंस रिकॉर्ड जरिए, वो तो मुझे था कि अगर मैंने घर बताया तो ये तो उन्होंने कहना है तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, तुम पढ़ नहीं रहे। वो पढ़ाई के बारे में बड़ी पर्टिकुलर थी मेरी जो अम्मी है वो, और मैं इसीलिए शायद पढ़ाई में अच्छा भी हूँ क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की शुरू में। तो मैंने डरते हुए नहीं बताया, लेकिन मैंने आई मेड श्योर कि मैं दोनों चीज़ें ठीक रखूं, मेंटेन करें। तो जिस दिन शो था उससे एक दिन पहले वो उन्होंने कुछ टिकट्स सी दी, कुछ पासेस से दिए फॉर पेरेंट्स एंड फैमिलीज एंड सिबलिंग्स। तो मैं वो घर ले आया आके, डरते डरते जाजू के अम्मी को दिया, मुझे अम्मी से ज़्यादा डर लग रहा था। अब्बू का तो मुझे पता ही नहीं था उन्होंने क्या बोलना है, वो मैंने बड़ा डर डर के जाकर अम्मी को दिए, और वो मुझे देख रही, उन्होंने अब्बू को दिखाए तो वो बड़े खुश हुए सरप्राइजिंगली। वो कहते हैं अच्छा क्या बात है जी, ये वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चा अपना बिल्ड कर रहा है, क्या बात है। तो बस वो आ गए, उन्होंने देखा प्ले, बड़ा एंजॉय किया, और ऑब्वियसली वो एक बड़ा और तरह का एक्सपीरियंस था और बहुत छोटे लेवल पे था, लेकिन आई डोंट थिंक उस टाइम भी उनके पॉइंट पे, मैंने कभी उनसे ये पूछा नहीं है, बट आई डोंट थिंक उन्होंने अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी सोचा होगा कि बच्चा कहीं और ही निकल रहा है। बट फ्रॉम देयर ऑन देन मैंने आहिस्ता आहिस्ता आई केप्ट पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल के इवेंट्स, छोटे छोटे प्लेज। बीच में एक पॉइंट आया कि माई मदर गॉट वेरी वरिड अबाउट ऑल ऑफ दिस, शी वॉज लाइक कि पढ़ाई ना अफेक्ट हो जाए, और ये वो, तो उन्होंने मुझे डांटा। फिर मैंने बीच में थोड़ा सा छुप के भी काम किया स्कूल में। हमारे स्कूल में फॉर्चुनेटली हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती थी अपॉर्चुनिटीज, तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स के बारे में वो बड़े अच्छे थे, उस हवाले से वो बड़े अच्छे थे, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती थी, तो मैं करता रहा, आई अवेल्ड दोज अपॉर्चुनिटीज़। बट कभी अबू के साथ थिएटर नहीं ज्वाइन किया, ये ख्याल कभी नहीं आया, या उन्होंने भी बोला या कोशिश नहीं की? मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना डरता हूँ अपने अम्मी अबू दोनों से। तो फिर मुझे ये बताएं, जब रकीब से की ऑफर आई तब कैसे बताया? वो कुछ ऐसे था, अब देख तो रहे थे घर वाले कि ये भाई साहब तो कर ही जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं यही कहता था कि अब मैंने कभी ये जिक्र नहीं किया कि मैंने इस तरफ जाना है, एंटरटेनमेंट की तरफ जाना है, आई वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता, मैं डिनाई भी नहीं करता था, मैं कहता था मेरे ऑप्शंस अभी बड़े मैंने ओपन रखे हुए हैं,
गोलमोल बात, हाँ दो तीन मैंने भी बना लिए अपने करियर चॉइसेस, मैंने कहा ये भी हो सकता है शायद ये कर लूँ शायद वो कर लूँ, अभी पता नहीं, but all sorts of things, कभी मैं कह रहा था मैं सोच रहा हूँ मैं जर्नलिज्म की तरफ चला जाता हूँ और ये हो और इस तरह की चीज़ें कि ज़रा थोड़ा सा ना अभी वो हाथ कहते हैं ना हल्का रखें अभी वो एकदम से प्रेशर ना आए, और ऑब्वियसली आई वॉज टेकिंग माई टाइम एज वेल, क्योंकि आपको होता है आप, मुझे ये चीज़ भी रियलाइज़ हो गई थी कि शायद अभी मेरी उम्र इतनी कम है तो शायद ये सिर्फ वो एक जो शौक शौक नहीं होता जो बहुत लोगों को होता है, आई एम श्योर हर बंदे को तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनको होता है कि यार हम भी एक्टिंग करें या कुछ भी जो भी, तो वो भी एक चीज़ मेरे बैक ऑफ माई माइंड थी, मैंने कहा कि ये ना हो कि ये सिर्फ एक वो टेम्पररी सा शौक हो और बाद में चले के मैं नहीं करना चाहता ये पैशन शायद मेरा ना हो।